हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल म्यूचुअल एकेडमी पे खुश आमदीन। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। इसमें हम नाउन नंबर और नाउन केस देखेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन क्या होता है। जहाँ कहीं भी नाउन का वर्ड यूज़ हो गया, आपने समझ जाना है कि नेम, ठीक है। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, वो शख्स हो, जगह हो या चीज़ हो, उसके नाम को हम नाउन कहेंगे। फिर हमने नाउन की कैटेगरीज देखी कि इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक कंक्रीट नाउन। फिर हमने देखी कि कंक्रीट नाउन की मज़ीद आगे चार कैटेगरीज हैं, जिनमें से आ जाता है प्रॉपर नाउन, जिनमें से आगे आ जाता है कॉमन नाउन, आ गया कॉमन कलेक्टिव, और एक आ गया हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल हमारे पास किसी बुक में 5 टाइप्स लिखी होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। लेकिन किसी बुक में नाउन की सिर्फ 6 टाइप्स लिखी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम ना तो छू सकें ना ही देख सकें, यानी कि वो इनटेंजिबल हो, इनटेंजिबल। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कंसेप्ट हो गया, कोई आइडिया हो गया, कोई फीलिंग हो गई, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीज़ों के नाम को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लगा लें, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, अकलमंदी, लव, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। कंक्रीट नाउन में आ जाते हैं टेंजिबल, यानी कि जिनको हम छू सकें, टच कर सकें या देख सकें, तो ऐसी चीज़ों के नाम कंक्रीट में आएंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी खास जगह या चीज़ का नाम, जैसे अली, कराची, किसी खास सिटी का नाम, ठीक है। किसी बुक का नाम लेते देते हैं तो बाइबल, ठीक है, ये भी एक बुक है, ख़ास बुक का नाम है। अब कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा? बुआए कह लें, ऐसा लफ्ज़ जो हर किसी के लिए यूज़ हो सके। सिटी कह लें, सिटी शहर कोई भी हो सकता है। बाइबल, यहाँ पे ऊपर बुक लिखी थी वो प्रॉपर नाउन में, यहाँ पे बुक कोई भी हो सकती है। मटेरियल नाउन ऐसी चीज़ों के नाम, ऐसी चीज़ों के नाम जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकें, मिल्क, जैसे वो कुदरती तौर पर चीज़ें हों, उन चीज़ों के नाम, मिल्क, गोल्ड, ठीक है, वाटर, तो ये सारे जो है वो मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। और कलेक्टिव नाउन में एक किस्म की चीज़ों का एक ग्रुप बना दिया जाए और फिर उस ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जांपल के तौर पे ये कि हमने स्टूडेंट्स इकट्ठे किए और स्टूडेंट्स से एक क्लास बन गई, तो क्लास को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सोल्जर इकट्ठे किए तो वो बन गई आर्मी, तो हम कहेंगे आर्मी। जजेस इकट्ठे किए तो बन गई जूरी, तो वो आ गया जूरी, ठीक है। और लोगों को इकट्ठा किया तो वो बन गया क्राउड, तो इस तरह कोई भी नाम हो सकते हैं। ये हमारा नाउन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन थी। जब हमने नाउन को मुकम्मल किया ये डिस्कशन, तो फिर हमने कलेक्टिव और कॉमन नाउन में डिफरेंस भी देखा, कलेक्टिव और कॉमन नाउन में, ठीक है। फिर हमने कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के बारे में भी देखा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड ये क्या होते हैं, तो इसके लिए आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, नाउन वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो इन दोनों के बाद फिर हमने नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो होता है, ये वर्ब को जो है ये प्लूरल लेता है, और ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ये वर्ब को सिंगुलर लेता है, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है। और हर एक मेंबर को हम कॉमन कहेंगे, और उन कॉमन चीज़ों को मिला के जो एक ग्रुप बना दिया जाता है उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। इसके बाद हमने नाउन की एक कैटेगरी देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि नाउन को ब्रॉडली दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है।
ऐसी कोई भी चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंट करने के काबिल हैं, तो वो काउंटेबल में आ जाएंगे। और ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और वो काउंट करने के काबिल नहीं है, वो अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। ठीक है, तो काउंटेबल में हमने एग्जाम्पल ली थी हेयर, बालों को हम गिन सकते हैं, एक बाल, दो बाल, तीन। ठीक है, इसके अलावा स्टार्स भी इसी में आएंगे, ठीक है ना। और हाँ बस, टेबल, चेयर, जो मर्जी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर और एयर। ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। और हमने ये भी देखा था कि काउंटेबल नाउन से पहले कोई ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, या कोई न्यूमेरल वर्ड आ जाएगा। न्यूमेरल वर्ड क्या होता है? वन, टू, थ्री, इस तरह का कोई वर्ड आ जाएगा, आ सकता है। ठीक, और अनकाउंटेबल नाउन के शुरू में कभी भी ए या एन या न्यूमेरल वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, इनके पहले कभी भी ए, एन या न्यूमेरल वर्ड नहीं आएगा। काउंटेबल में ए भी आ सकता है, एन भी, न्यूमेरल वर्ड भी आ सकते हैं। तो नाउन की ये इस कैटेगरीज के अलावा फिर हमने देखे जेंडर। जेंडर यानी कि जेंडर जो है वो कहते हैं लिविंग थिंग के सेक्स को बताता था। इसमें हमने मैस्कुलाइन जेंडर देखा, यानी कि ऐसी चीज़ों के नाम जो कि मेल को शो करे। फिर हमने देखा फेमिनाइन जेंडर, इसके बाद हमने देखा फेमिनाइन जेंडर जिसमें हमारे पास फीमेल पे डिस्कशन हुई कि ऐसे नाम जो कि फीमेल के रिलेटेड हो, या ऐसी चीज़ों के नाम जो फीमेल हैं तो वो फेमिनाइन जेंडर। फिर हमने देखा कामन जेंडर कि जिसमें मेल भी आ जाए और फीमेल भी, कामन जेंडर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा बेजान चीज़ों को हम एक जेंडर में रख देंगे जिसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो न्यूटर जेंडर में हमने कहा था कि ट्री को भी हम न्यूटर जेंडर में रख देंगे। ट्री, दरख्त को जानदर कहा जाता है, लेकिन हमें इसके सेक्स के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, इसमें तो वो चीज़ें आएंगी जो कि इन दोनों में से किसी में भी आ रही है, यानी कि अगर वो मेल है तो फिर भी कामन में आ जाएगा, अगर फीमेल है तो फिर भी कामन में आ सकता है, लेकिन जिसका जेंडर ही नहीं पता था उसको हमने न्यूट्रल जेंडर में रख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा तो कोई ताकतवर चीज़ है तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में ले आएंगे, जैसे डेथ, जैसे सन, जैसे समर। तो ये चीज़ें हमने मैस्कुलिन जेंडर में, और कोई चीज़ खूबसूरत है तो इसको हम फेमिनिन जेंडर में लेके आएंगे, जैसे अर्थ। ठीक है, और हाँ ये अर्थ, और कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेचर। ठीक है, पीस, सुकून। तो ये चीज़ें सारी किसी में फेमिनिन जेंडर में आ जाएंगी। फिर हमने देखा कि अजम्पशन थी यहाँ पे एक कि जो वर्ड शिप है, जो वर्ड हमने शिप कहा है वो हमेशा फेमिनिन जेंडर में आएगा, फेमिनिन जेंडर में। ठीक है, और इसके बाद एक और हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इनको हम किस में लेके आते हैं? न्यूटर जेंडर में। ठीक है, और एक और पॉइंट था कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनको भी हम न्यूटर जेंडर में लेके आते हैं, जैसे माउस। ठीक है, तो ये हमारे पिछले लेक्चर्स का एक छोटा सा निचोड़ दे दिया। तो आज के लेक्चर में हम द नाउन नंबर पढ़ेंगे आज का लेक्चर हमारा क्या होगा? द नाउन नंबर और द नाउन केस। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लें नाउन नंबर क्या है और नाउन केस क्या है। ठीक है, तो नाउन नंबर यानी कि नंबर के लिहाज से नाउन को डिवाइड किया गया है किन दो टाइप्स में? तो उनमें से आ जाएगा एक सिंगुलर और एक आ जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल कैसे बनाते हैं हम ये भी देखेंगे। फिर केस में हमारे पास पांच केस आ जाते हैं, वो पांच केस कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, डेटिव, वोकेटिव। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव, और इसके बाद डेटिव एंड वोकेटिव। तो
तो ये पांच केसेज आ जाते हैं, केस को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में और नौ नंबर को। तो पहले 10 मिनट आपके ज़ाया ही किए मैंने, ज़ाया तो नहीं किए, हमने एक समरी ली छोटी सी जो पूरे पेज पे आ गई कि नाउन क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नाउन नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास पूरे 10 मिनट हो गए हैं और अब हम 10 मिनट से स्टार्ट करेंगे द नाउन नंबर को। तो दो नाउन नंबर में दो फॉर्म्स होती हैं, द नाउन नंबर में दो फॉर्म्स होती हैं, एक फॉर्म सिंगुलर नाउन नंबर और दूसरी फॉर्म प्लूरल नाउन नंबर। यानी कि अगर हम देखें तो नाउन नंबर में दो आ जाते हैं, एक सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा पॉइंट आ जाता है प्लूरल नंबर, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ साथ नोट्स लाजमी बनाते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अब द सिंगुलर नाउन नंबर से। द ये नंबर पॉइंट वन पे आ गया, द सिंगुलर नाउन नंबर, ठीक है। सिंगुलर किसे कहते हैं, तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन दैट रेफर टू वन पर्सन, अ नाउन दैट रेफर्स टू वन पर्सन, ठीक है। प्लेस आर थिंग, प्लेस आर थिंग इज सेट टू बी इन, इज सेट टू बी इन द सिंगुलर नाउन नंबर, सिंगुलर नाउन नंबर, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लें, एक नाउन जो कि रेफर करता है एक पर्सन को, एक प्लेस को या एक चीज़ को, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन नंबर। इसकी समझ एग्जांपल से आएगी, तो एग्जांपल को अभी हम नहीं देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ रहा हूँ। तो पहले हम द प्लूरल नाउन नंबर देख लेते हैं, प्लूरल नाउन नंबर, ताकि आपको ईजीली इन दोनों का डिफरेंस पता चल सके या इनकी समझ आ सके, ठीक है। अब देखें सारी डेफिनेशन वही होगी, आ नाउन दैट रेफर्स टू मोर देन वन, मोर देन वन पर्सन। अब पर्सन नहीं, मोर देन वन आ गया, तो मोर देन वन पर्सन्स, प्लेसेस आर थिंग्स, आर थिंग्स आर सेट टू बी, ठीक है। नहीं, ये पीछे तो एक चीज़ ही है ना, इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर, इन द प्लूरल नाउन नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गए, अगर डेफिनेशन को समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ ताकि हमें इसकी समझ आ सके। एक नाउन जो कि एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स को रेफर करता है उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल से हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे कहूँ बॉय, ठीक है, तो बॉय का मतलब क्या है, एक लड़का, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूँ बॉयज़, तो ये क्या है, लड़के, ठीक है। तो ये एक चीज़ को रेफर कर रहा था, तो ये बॉय आ गया, ये मोर देन वन बॉयज़ लड़के, तो ये हमारे पास प्लूरल आ गया, ठीक है। एक्टर अदाकार, एक्टर्स, ठीक है, ये ज़्यादा अदाकार, ठीक है। अब और एक एग्जांपल दूँ तो मैं एप्पल की दे देता हूँ, अगर आपके पास एक सेब है तो आप उसे एप्पल कहेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास ज़्यादा सेब हैं तो आप एप्पल्स कहेंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ को नाउन रेफर कर रहा है तो वो एप्पल, अगर एक से ज़्यादा सेब्स को रेफर कर रहा है तो वो एप्पल्स आएगा, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो बेबी, बच्चा, ज़्यादा बच्चे हों तो ये बेबीज, ठीक है। तो इस तरह जितनी एग्जांपल करें उतनी कम है, तो इसके आगे हम लगा देते हैं 17, ठीक है। याद रखें कि अगर वो एक चीज़ को रेफर कर रहा है तो वो आएगा सिंगुलर, और अगर मोर देन वन को कर रहा है तो वो आएगा प्लूरल, ठीक है। तो आगे कुछ हम नोट देखते हैं, तो नोट पे आ जाइए। अब ये उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेशन की समझ आ गई होगी, तो अब हम चलते हैं नोट के ऊपर। नोट,
पहले मैंने कहा कि मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग का टाइम बचे, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं साथ साथ आपको समझ भी आए, ठीक है। तो नोट पे आप ज़रा गौर करिएगा, नोट में लिखा हुआ है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं वो या तो कामन नाउन होंगे, या तो वो कामन नाउन होंगे, ठीक है, तो या हमारे पास वो कलेक्टिव नाउन होंगे। अब यही क्यों होंगे, ठीक है ना, या वो कॉमन नाउन होंगे या वो कलेक्टिव नाउन होंगे। अब इन दोनों की इसलिए आता है कि अगर हम नाउन की टाइप्स देखें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, तो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, तो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को तो नहीं हम काउंट कर सकते, ठीक है, यानी ईमानदारी कितनी है इसमें नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बाहर चले जाएगा। फिर आ जाता है मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, तो मटीरियल नाउन की आपको एग्जाम्पल दी कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आपने ये नहीं कहते 5 सोना 6 सोना 7 सोना, बल्कि गोल्ड को मैयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटेबल। अब मैयर और काउंटेबल में बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फासला तय किया, तो कितना फासला तय किया, आप कहें 5 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, आप कहें 5 किलोमीटर, तो जो चीज़ हम मैयर करेंगे वो 5 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को छोड़ दें, हम अकेला कहें 5, तो हमें समझ नहीं आएगी, काउंटेबल और मैयर करने में डिफरेंस होता है। अब छोटी सी एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि एग्जांपल काउंटेबल और मैयर में क्या फ़र्क होता है। आप कह लें 5 यानी कि 5 स्टार्स, तो ये क्या है, ये चीज़ें काउंटेबल थी इसलिए हमने कह दिया 5 स्टार्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 वाटर, तो ये चीज़ तो नहीं ना बनती 5 वाटर, तो अगर कोई चीज़ बनेगी तो क्या बनेगी, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो 5 वाटर कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि मटेरियल में हम इसको क्या कहेंगे, इसको वाटर जो है वो मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। 5 सोना गलत, 5 हवा ये भी चीज़ गलत, तो मटेरियल नाउन जो हमारे पास होता है वो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। पीछे बचा प्रॉपर, तो प्रॉपर को भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो काउंटेबल नाउन होगा वो कॉमन नाउन होगा और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देख लें कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो, अब हाँ, अ कॉमन नाउन आर अ कलेक्टिव, अब इन कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को हम एज ए सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी, सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो सिंगुलर होंगे ना प्लूरल, क्योंकि हम इनको काउंट ही नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन भी ना सिंगुलर ना प्लूरल। अब जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो या तो कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन या कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। अब अगर वो काउंट करने में एक हुआ तो वो सिंगुलर आ जाएगा, और अगर काउंट करने में मोर देन वन हुए तो वो प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जांपल से इस तरह समझेंगे, जब हम कलेक्टिव नाउन लेके आते हैं तो इसमें नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स भी आ जाता है, और तो वो प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है, समझ आई। जब हम कलेक्टिव नाउन लेके जाएं तो आप कलेक्टिव नाउन का लेक्चर गौर से सुनिएगा, वहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में। तो अगर एक चीज़ है उसको हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर एक जुड़ी थी तो हमने उसको फासले के बिना पर जुड़ी को डिवाइड कर दिया, तो वो प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल दें तो बॉय एक कॉमन नाउन है, ये एक के लिए, और अगर मैंने प्लूरल में इसको यूज़ करना हो तो बॉयज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो पीछे बचते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब जो पीछे बचते हैं प्रॉपर नाउन, और जब पीछे बचते हैं मटेरियल नाउन, ये काउंटेबल नहीं होते, ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, ये काउंटेबल नहीं होते, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अगर हम इनको काउंट ही नहीं कर सकते तो ये इनकी तादाद हम कैसे बताएंगे कि एक है या एक से ज़्यादा, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल हमेशा या तो कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन कैसे होगा, कलेक्टिव नाउन इस तरह, अगर वो जूड़ी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एक चीज़ है, लेकिन अगर जूड़ी को हमने डिवाइड कर दिया उनके फैसले के बिना पे, या जूड़ी का हर एक मेंबर अपनी बीवी के साथ खाना खाने चला गया तो हर एक की बात हमने कर ली तो वो प्लूरल में आ जाएगा। कॉमन नाउन की अगर हम बात लेके चलें तो अगर बॉय लिखा है तो वो सिंगुलर आ जाएगा, बॉयज लिख दिया तो वो प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। तो ये नोट था, ज़रा आप इसको डीपली समझिएगा। और इसके अलावा ये कि जो कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, जो कॉमन नाउन होता है और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा जब भी सिंगुलर में आएगा, वो हमेशा जब भी सिंगुलर में आएगा तो अपने साथ एक डिटरमाइनर लेके आएगा, डिटरमाइनर। तो अब आप कहेंगे डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर
तो डिटरमाइनर अगर मैं आपको बताऊं तो वो ए कह ले, एन ठीक है, द, दिस, डैट, आगे आप एटसेट्रा लिख लें, तो ये हमारे पास डिटरमाइनर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इस एक छोटा सी एग्जांपल दें जो कि आपको समझ आ सके, तो वी कैन नॉट से, हम कभी ये नहीं कहते बल्कि हम ये कहते हैं वी कैन, वी मस्ट से, हम ये कहेंगे, मस्ट से, हम ये नहीं कह सकते, ये कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, हेयर इज बॉय, हेयर इज बॉय नेवी ऑफ पाकिस्तान, एक सेंटेंस ले लेते हैं नेवी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास क्या आया, ये कॉमन नाउन आया, ये क्या आया, ये कलेक्टिव नाउन आया। अब ये कॉमन नाउन सिंगुलर में आया है तो सिंगुलर से पहले एक डिटरमाइनर लाजमी आएगा, यानी कि ये चीज़ हम ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि ऐसे लिखेंगे हेयर इज आ बॉय, ठीक है, या हम लिखेंगे हेयर इज द बॉय, हेयर इज द बॉय, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है क्योंकि जब कॉमन नाउन ये जो हमारे पास है ये जब सिंगुलर में आएगा तो अपने पहले ए, एन, द, दिस, डैट, ये चीज़ें लेके आएगा, तो यहाँ पे ए और द का यूज़ हुआ, कैसे हुआ वो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कभी। तो ए या दा, ये सेंटेंस ठीक है, ये गलत है। अब नेवी ऑफ पाकिस्तान, तो नेवी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है तो हम लिखेंगे दा नेवी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, समझ आई इस बात की, दा नेवी ऑफ पाकिस्तान, ये ठीक होगा क्योंकि ये हमारे पास कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले कोई डिटरमाइनर लाजमी आएगा। अब इसमें ना एक छोटी सी एक्सेप्शन है, इसको आप ज़रा रट्टा लगा लें जो मर्जी करें, एक्सेप्शन जो केमिस्ट्री में होती है ना, जिसके पीछे कोई कंसेप्ट, हमारे सारे कंसेप्ट फेल हो जाते हैं, वही है कि लफज जो मैन है ये हमारे पास क्या है, कामन नाउन है, कामन नाउन, ठीक है, ये कामन नाउन है। अब इस मैन कामन नाउन को जब हम यूज़ करेंगे तो चाहिए तो ये कि इससे पहले कोई डिटरमाइनर आए, यानी कि ए आए, एन आए, दा, दिस, डैट, कोई आए, लेकिन ये अपने से पहले कोई भी डिटरमाइनर नहीं लेता। दुनिया जहाँ का जो मर्जी कामन नाउन ले आए उसको यूज़ करेंगे एज ए सिंगुलर तो हमारे पास पहले डिटरमाइनर आएगा, लेकिन जब हम मैन वर्ड को यूज़ करेंगे, सिर्फ ये वाहद है कि जब हम इसका यूज़ करेंगे तो इससे पहले कोई डिटरमाइनर नहीं आएगा। जैसे कि मैं कहूँ द मैन इज़ मोर्टल, द मैन इज़ मोर्टल, और यहाँ पे लिखूँ मैन इज़ मोर्टल, तो यहाँ पे ये वाला ठीक होगा, ये वाली चीज़ गलत होगी। ठीक है, मैन से पहले कोई डिटरमाइनर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ मैन से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा कोई भी आ जाता हमारे पास, अगर इसके अलावा कोई भी आ जाता कामन नाउन, तो फिर हमने उससे पहले दा यूज़ करना था या ए, कोई भी अच्छा परफेक्ट रहे वो यूज़ करना था, लेकिन जैसा कि बताया ये एक्सेप्शन है कि मैन से पहले कोई भी डिटरमाइनर नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। अब हम देखते हैं कि प्लूरल्स को कैसे बनाते हैं। तो प्लूरल्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उनमें से रूल नंबर वन आपको थोड़ा सा एक एक रूल थोड़ा सा कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी एग्जांपल दे लेते हैं, बाकी डिस्कशन हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर भी लेंथी होता जाता है फिर। ठीक है, तो इसका पहला रूल आता है कि अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो उसके एंड पे एस लगा दें, यानी कि अगर वो सिंगुलर है तो उसके एंड पे एस का इजाफा कर दें तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगी, तो वो प्लूरल बन जाएगी। अब आप कहेंगे इसकी छोटी सी एग्जाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल आप ले लें एनिमल है ना, एनिमल, तो ये एस लगाने से एंड पे ये एनिमल्स बन जाएगा। ठीक है, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल बन गया। अगर आपने इसकी और एग्जांपल लिखनी है तो बियर, डॉग, फॉल्ट, गर्ल, किंग, टिकट, आम, कैब, डेजर्ट, फ्रेंड, मॉस्क्यू, पोएट, थ्रेड, बैटल, कालिफ, एग्जांपल गन, नेशन, रेट और काउ, ये जितनी मर्जी आप इसकी एग्जाम्पल करें उतनी कम है। ठीक है, रूल नंबर वन क्या है कि अगर कोई सिंगुलर है तो उसके एंड पे एस लगाएं तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, रूल नंबर टू पे आते हैं हम। रूल नंबर टू, अगर कोई चीज़ सिंगुलर है और वो एंड हो रही है, यानी कि अगर कोई सिंगुलर है और वो ख़त्म किन पे हो रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर कोई चीज़ सिंगुलर है और एंड किस चीज़ पे हो रही है, एस पे, डबल एस पे, सी एच पे, एस एच पे, एक्स पे या जी पे ख़त्म हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि एंड पे हम ई एस लगा देंगे, प्लस ई एस कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल ये ले लें, एस एसिज हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं बॉक्स की, तो बॉक्स के एंड पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखें एक्स लिखा है, प्लस ई एस करेंगे तो ये बॉक्सिस बन जाएगा, यानी कि ये सिंगुलर था ये प्लूरल बन गया।
ठीक है, अब हम रूल नंबर थ्री देखते हैं। रूल नंबर थ्री हमें कहता है कि अगर कोई हमारे पास सिंगुलर आ जाए, अगर अब ना सिंगुलर को हम ऐसे ही लिखेंगे, अगर हमारे पास सिंगुलर आ जाए और एंड हमारे पास ओ पे होता हो, ठीक है, और ओ से पीछे एक कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है, यानी कि ए आई ओ यू और ई, ए आई ओ यू ई, इनके अलावा बाकी जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ओ और ओ से पीछे कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम इसमें प्लस ईएस करके उसे प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक छोटी सी एग्जांपल लें तो हम हीरो की एग्जांपल ले लेते हैं, हीरो, ठीक है। तो एंड ओ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और ओ से पहले क्या आ रहा है, आर, तो आर हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो प्लस ईएस कर देंगे तो ये बन जाएगा हीरोज, ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल बन गया, ये सिंगुलर था हीरो, ये हीरोज प्लूरल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल नंबर फोर में भी आता है कि अगर हमारे पास कोई सिंगुलर है, एंड पे ओ पे ख़त्म हो रहा है और ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, तो वो प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल। इसकी अगर हम कोई एग्जांपल लें तो किलो, किलो अगर हमने कोई एग्जांपल ली तो ओ पे ख़त्म हो रहा है और से पहले क्या है, एल है, यानी कि एल एक वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम एंड पे एस लगा देंगे, ठीक है। तो अब आपने ये सोचना होता है खुद ही कि अब ये भी ओ पे ख़त्म हो रहा था, ये भी ओ पे, ये भी वावल होने चाहिए, वावल नहीं होना चाहिए एंड वाला, और ये भी उससे पहले वाला वावल नहीं होना चाहिए, इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी नोयत ऐसी होती हैं। अब हम इनको किलोस भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपकी अब देखें ना कि प्लूरल बनाने के लिए आपकी थोड़ी सी वोकेबलिटी तेज़ होनी चाहिए, ये हमने कहीं भी लफ्ज़ नहीं बना, यही वर्ड होगा, ठीक है। तो वोकेबलरी भी तेज़ करनी पड़ती है भाईजान थोड़ी सी, तो आप थोड़ी सी वोकेबलरी भी तेज़ कीजिएगा। अब रूल नंबर फाइव पे जाते हैं। अब रूल नंबर फाइव हमारे पास आ गया कि सिंगुलर ही हो कोई चीज़, एक सिंगुलर ही हो, एंड पे ओ आ रहा हो और ओ से पहले वावल हो, पहले कॉन्सोनेंट थे अब वावल है, तो उसमें अगर हम एस प्लस करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल हम ले लें रेडियो, रेडियो, ठीक है। तो ये देखें एंड ओ पे हो रहा है और ओ से पहले आई आ रहा है, तो आई क्या है, एक वावल है, ए आई ओ यू ई, तो आई एक वावल है, तो हम क्या करेंगे, एंड पे एस लगा देंगे, रेडियोस, तो ये हमारा प्लूरल बन गया। इसी तरह हमारे पास आता है रूल नंबर सिक्स। अब ये ना रूल्स पे भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपको